कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद तो यही है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले जो है वो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं जो मैंने फेस पे यूज़ किए हुए हैं उनको ब्रेक करती हूँ, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स का ब्रेक डाउन है वो कुछ इस तरह से है। आज मैंने ये वाला वाइटमिन सी सीरम लगाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइटमिन सी सीरम है, ऑयल बेस्ड नहीं है और ये बिल्कुल जो है वो प्योर फॉर्म में विटामिन सी है और बिल्कुल वाटर बेस है। और इसको ये जो है ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ विटामिन सी है और एकदम से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करता है, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, एक ग्लो लेके आता है और एक शीन लेके आता है और आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है कि आप मेकअप कर सकें, ठीक है। पहले मैंने ये लगाया, उसके बाद ये वही वाला सीरम है ब्यूवेल का जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन में भी पूछा था और फिर जिसकी विनर जो हैं वो असमत कदीर हैं, ठीक है। फिर मैंने ये वाला सीरम लगाया और उसके बाद मैंने ये वाली क्रीम है डॉक्टर आइरीना एरिस की। इसकी चीज़ें मैं आपको टाइटनिंग सीरम और वो चीज़ें पहले भी दिखाती रही हूँ। ये वाली क्रीम जो है फिर मैंने इसको लगाया और इसको लगाने के बाद मैंने हल्का सा मसाज किया अपनी स्किन के ऊपर फॉर अबाउट 1 or 2 minutes या फिर क्या कहते हैं 1 minute के लिए। उससे ये होता है कि आपकी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, बेहतर तरीके से हो जाती है और आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। इसको करने के बाद जो है मैं 5 to 10 minutes का डेफिनेटली जो है वो दरमियान में गैप रखती हूँ, उसके बाद मेकअप जो है या जो भी चीज़ आपने लगानी है फेस पे आप स्टार्ट करें। इसके बाद जो है आज मैंने जो है वो लैंकॉम का फाउंडेशन जो है वो वेयर किया है। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था, वैसे यूजुअली मैं फाउंडेशंस जो है वो लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था। मुझे लग रहा था ओ इतने दिन हो गए हैं मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ तो मुझे तो तैयार होना है, और ये जो है ये मैंने लगाया है लैंकॉम का। उसके बाद जो है वो डॉक्टर आइरीना एरिस का ही मस्कारा है। ओ हो वाओ मस्कारा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपकी अपनी नेचुरल लैशेस जो हैं वो कितनी खूबसूरत और कितनी नेचुरल करता है। ये इतनी नेचुरल फिनिश है और बहुत ही खूबसूरत मस्कारा है, ठीक है। ये मैंने लगाया है। ब्लश जो है वो मैंने निक्स की लगाई है और इसके अलावा जो है जो मेरा लिप कलर है वो ये है और ये रिवाज का है और ये इतना खूबसूरत था कि मैंने इसको देखा और मैंने इसको फ़ौरन से बाय कर लिया था ऑनलाइन, और ये बहुत प्यारा कलर था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये वाकई बहुत अच्छा कलर था, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मैंने आई पेंसिल जो है वो स्मजिंग पेंसिल यूज़ की हुई है आई के ऊपर और नीचे, और ये जो स्मजिंग पेंसिल है इसको यूज़ करने के साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं आप ये समझ लें कि इसको यूज़ करने के साथ जो है वो आप स्मोकी आई लुक बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इसके साथ किसी आई शेडो या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये भी डॉक्टर आइरीना एरिस की है। और फिर थोड़ा सा जो आपने अपने जैसे अंडर आई एरिया को सेट करना होता है या फिर आपने जो है वो अराउंड माउथ एरिया को सेट करना होता है या नोज़ को थोड़ा सा सेट करना होता है वो जो है वो मैंने डॉक्टर आइरीना एरिस का ही जो है वो मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर है, ब्लर करने वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी स्किन को एकदम से जो है वो स्मूथ इफेक्ट देती हैं, ठीक है, वो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, मैंने अपनी अपने मेकअप के साथ जो है वो कोई हाइलाइटर कोई इल्यूमिनाइज़र ना मैंने प्रेपरेशन के बाद स्किन को प्रिपेयर करने के बाद यूज़ किया है और ना ही मैंने ऊपर से जो है वो कहीं पे भी हाइलाइटर लगाया हुआ है। मैंने कोई हाइलाइटर या इल्यूमिनाइज़र नहीं लगाया हुआ, बट आप देख सकते हैं कि जब सारी आप अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेते हैं, आपकी स्किन जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होती है तो और हाइड्रेटेड होती है, और जब आप उसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं तो उससे जो है वो आपको उसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब मुझे जो है वो किसी शाइनर की इल्यूमिनाइज़र की या हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी आपको ग्लो नज़र आ रहा है स्किन के ऊपर ये खुद से ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। चलें, ये तो सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट्स मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आप प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट लगा के या उसकी जो ऑर्डर होता है। जैसे मैंने आपको ऑर्डर वाइज दिखाती हूँ कि पहले सीरम लगेगा, फिर ऊपर क्रीम लगती है, फिर उसके ऊपर जो है वो आप अपना मेकअप करना शुरू करेंगे। मेकअप के लिए देखें, मैंने तो बहुत थोड़ी देर के लिए मेकअप करना था तो मैंने प्राइमर को यूज़ नहीं किया, मेरी स्किन वेल प्रिपेयर्ड थी, मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया। नहीं तो आपको चाहिए कि आपने जब ज़्यादा देर के लिए 5-6 hours 8 hours के लिए आपने यूज़ करना है, मेकअप करके रखना है,
तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप पहले प्राइमर लगाएं और उसके बाद फिर आप ये मेकअप करें। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि गर्मियों के मौसम में हर रोज़ प्राइमर यूज़ मत करें। जब आप हर रोज़ प्राइमर यूज़ करते हैं तो जो प्राइमर होता है वो फिल इन करता है आपके पोर्स को, जिससे आपके पोर्स कम नज़र आते हैं और ये एक बेसिकली जो है वो शीट बनाता है या शील्ड बनाता है आपकी स्किन के दरमियान और आपके मेकअप या फाउंडेशन जो भी आप लगाते हैं उसके दरमियान। लेकिन जब आप इसको रोज़ लगाना शुरू करेंगे गर्मियों के मौसम में, और जैसे आजकल ह्यूमिडिटी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और गर्मी भी है, और अभी इसी तरह का मौसम रहना है और आगे बारिशें शुरू हो जाएंगी तो उसमें और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो अगर आप इसको रोज़ यूज़ करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बन सकते हैं या पिंपल्स बन सकते हैं। तो आपने रोज़ प्राइमर यूज़ नहीं करना अपनी नॉर्मल रूटीन में। कोशिश ऐसे ही किया करें कि इस तरह का मेकअप या इस तरह का लुक रखें जिससे आपकी फ्रेश लुक तो आए लेकिन आपकी स्किन नहीं ख़राब होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे ही यूज़ करें कि आपकी स्किन ख़राब नहीं हो, आप अच्छे भी लगे लेकिन स्किन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, अब हम आज का जो टॉपिक है लाइव सेशन का वो स्टार्ट करते हैं। वो है जी डार्क सर्कल्स, और मैंने जो टाइटल रखा है वो रखा है हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। ठीक है, अच्छा ये मैंने चूज़ क्यों किया, जब रमज़ान या रोज़े हम रखते हैं तो बहुत दफ़ा या ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन बी की भी हो सकती है, विटामिन डी की भी हो सकती है। मतलब आप ये समझ लें कि हमारी न्यूट्रिशन जो होती है वो इतनी बैलेंस्ड नहीं रहती है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले ही टेंडेंसी थी या पहले ही आपकी बॉडी डेफिशिएंट थी तो आप सोचें कि थोड़े से रोज़े रखने की देर है, जैसे 10-12 रोज़े रखे, हाफ वे भी नहीं गए आप, और आपको फ़ील होगा कि नहीं, मेरी बॉडी जो है वो अब पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारी जो स्लीप होती है वो भी उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आजकल के रोज़ों में या जैसे अभी जो रोज़े गुजरे उसमें ये हो रहा था कि आपको सोने का टाइम नहीं मिलता। आपको इसलिए सोने का टाइम नहीं मिलता कि जब आप रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा भी टाइम आप जागते हैं या आपने इबादत भी करनी होती है तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि फजर की अजान जो है उसका टाइम बहुत जल्दी हो रहा था, उसकी वजह से सोना जो है या स्लीप हमारी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह पा रही थी, उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आपने इबादत भी करनी है, जागना भी है, और स्लीप पैटर्न ख़राब होता है उससे भी डार्क सर्कल्स पड़ेंगे। और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया है या फिर विटामिन बी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो जाहिर है डार्क सर्कल्स अगर पहले थे तो ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं थे पहले तो कुछ आपको नज़र आना शुरू हो सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी, क्योंकि डाइट ऐसी होती है कि हम चीज़ें तो खा रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं उसमें इतनी न्यूट्रिशन नहीं होती है और फैटनिंग होंगी, फ्राइड फूड होगा, इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो बॉडी है वो डेफिशिएंट होती जाती है और हम वेट गेन करते जाते हैं। ठीक है, और आपको लग सकता है कि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ डार्क सर्कल्स ज़्यादा होने से हमारे फेस पर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे फेस पर ये आपका फेस ऐसे आपको फील होगा कि आपका फेस थका हुआ है, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं, आप बिल्कुल फ्रेश नहीं है और आपका बहुत थका हुआ फेस है। अच्छा, डार्क सर्कल्स को आपने रेट करना है कि डार्क सर्कल्स जो आपके फेस पे हैं वो कैसे हैं। एक तो डार्क सर्कल्स होते हैं जो कि बिल्कुल ब्राउन कलर, ब्राउन पिगमेंटेशन नज़र आती है आपको ऑल थ्रू आउट, या सिर्फ खाली नीचे या साइड्स के ऊपर और इनर साइड पे, इनर कॉर्नर पे और नीचे, और ये ऑल ओवर, ऑल अराउंड दी आई भी आपको नज़र आ सकती है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन होगी। एक तो ये डार्क सर्कल्स होते हैं, फिर एक और डार्क सर्कल्स होते हैं जिसमें यहाँ से स्किन इतनी थिन होती है कि थिन स्किन होने की वजह से अंदर से आपको छोटे छोटे आपके जितने ब्लड वेसल्स हैं वो सब नज़र आ रहे होते हैं, और पतली स्किन और ब्लड वेसल्स उसके अंदर से नज़र आ रहे होते हैं, तो एक ह्यू क्रिएट होता है, आपको लगता है कि ये एरिया डार्क है। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो कि थिन स्किन की वजह से आपको वेसल्स नज़र आते हैं और ब्लूइश रेडिश ह्यू आता है, उसमें ब्राउन कलर नहीं होता। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि संकन आइज़ होती हैं, जिनको हम
हेलो आइज कहते हैं, ठीक है, हेलोज बने हुए लगते हैं, जैसे यहाँ पे आंख अंदर को धसी हुई है और अंदर को धसे होने की वजह से आपको इल्यूजन क्रिएट होता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, जबकि डार्क सर्कल्स या वहाँ से स्किन का कलर डार्क नहीं होता, बल्कि स्किन इतनी जो है वो आंखें इतनी धसी हुई होती हैं, सॉकेट के अंदर आए होती है कि ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं। अच्छा, मैंने ये तीनों तरह के जो डार्क सर्कल्स हैं वो आपको इसलिए बताए हैं कि इन तीनों तरह के डार्क सर्कल्स के लिए हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स की और डिफरेंट एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। अगर सेम एप्लीकेशन या हर तरह की, मतलब इन सब डार्क सर्कल्स के लिए आप एक तरह की दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उसको इस्तेमाल तो कर रहे होंगे लेकिन आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट्स भी दिखाना शुरू कर दूँगी। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर जो है ब्राउन कलर की डिसकलरेशन ज़्यादा है, ज़्यादातर आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है और इतनी ज़्यादा थिन स्किन नहीं है, इतने ज़्यादा वेसल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर बहुत अच्छा है ये इंटेंसिव वाइटनिंग क्रीम है, बिल्कुल इरिटेट नहीं करती है और आप ये जो अराउंड आई एरिया है उसकी जो डेलिकेट स्किन है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि दिन में एक ही दफ़ा रात को सोने से पहले इसको अप्लाई किया जाए, दिन में अप्लाई ना करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और आई सिरम दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये वाला आई सिरम है। ये आई सिरम जो है ये क्या करता है, ये आपकी फाइन लाइंस और आपकी जो ड्राई स्किन होती है नीचे लोअर लिड के ऊपर, ये उसको बेहतर करता है, एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सिरम को सुबह के वक्त लगाएं और इसके अलावा जो आपकी क्रीम है ये वाली आप रात में यूज़ कर लें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें डार्क सर्कल्स में विटामिन सी के प्रेपरेशंस, जो कि पूरी डार्क ब्राउन पिगमेंट होती है जिसमें वेसल्स भी इतने नज़र नहीं आ रहे हैं और उसके अलावा जो है वो संकन आइज़ भी इतनी नहीं है, लेकिन डार्क कलर की पिगमेंटेशन, ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन है, उसमें विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। आप विटामिन सी को अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको दो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स दिखा रही हूँ। देखें, ये विटामिन सी सिरम जो है ये 5% वाला है और फिर ये वाला विटामिन सी सिरम जो है ये 25% वाला है, ठीक है। अगर तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप राइट अवे जो है वो हायर स्ट्रेंथ वाला सिरम जो है वो स्टार्ट कर दें। इसको आप दिन में दो दफ़ा लगा सकते हैं, सुबह भी और रात भी। अगर जो है वो आपके मॉडरेट या माइल्ड डार्क सर्कल्स हैं तो फिर आप लोअर स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे जो है वो हायर स्ट्रेंथ पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिंगलिंग इफ़ेक्ट या थोड़ा सा जैसे हल्की सी टिंगलिंग या हल्की सी इरिटेशन होती है वो आपको दे सकता है, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ इंटेंस प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही से जो है वो आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाती है और फिर आपको इशू नहीं होता। इस टॉपिक के साथ साथ जिस पर बात चल रही है उसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे भी और साइमल्टेनियसली हम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप फेसबुक पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे, आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया है। अब हम आ जाते हैं कि और तरह के भी विटामिन सी सीरम्स हैं, जैसे मैं आपको एक और ये वाला विटामिन सी सीरम जो है वो दिखा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है जिन लोगों की थोड़ी एजड स्किन है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट क्या कहते हैं विटामिन सी सीरम है। ये जो है ये किसी भी तरह की स्किन टाइप पे और किसी भी एज ग्रुप में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार तरह के, फोर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेंथ्स और फोर डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ विटामिन सी जो है वो दिखाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर जो है हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहते हैं विटामिन सी और लाइटनिंग या एंटी पिगमेंट्री एजेंट, तो इसमें देखें ये ग्लूटाथायोन और विटामिन सी दोनों चीज़ें हैं और ये स्किन को ड्राई नहीं करती है, स्किन का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको रीस्टोर करती है, मॉइस्चर को रीस्टोर करती है। तो ये डेफिनेटली जो है वो आइज़ के अराउंड लगाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी एजर्ड या थोड़ी ड्राई साइड पे है, मेच्योर स्किन है
और हम एंटी पिगमेंट्री यानी कि ग्लूटाथायोन और वाइटामिन सी दोनों देना चाह रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी पिगमेंट्री, तो फिर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन क्योंकि बहुत पतली होती है और पतली होने की वजह से उसके ऊपर बहुत क्रिंकली सा, बहुत फाइन लाइंस और बहुत क्रिंकली सा इफेक्ट आ रहा होता है और वो डेफिनेटली अच्छी नहीं लगती है और लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ भी लगाती हूँ तो सारा मेकअप पाउडर सब कुछ अंदर ही चला जाता है और क्रैक्स बने हुए नज़र आते हैं। अच्छा, जिनकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा, मेच्योर है, एजड है और या फिर जो है वो थिन है और फाइन लाइंस है उसके ऊपर, उनके लिए जो है वो मैं ये कॉलेजन का सीरम दिखा रही हूँ। कॉलेजन का सीरम जो है पतली स्किन को कुशन देगा, जैसे इतनी पतली स्किन है तो जब उसको कुशन मिलेगा तो वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाएगी और उसके अलावा कॉलेजन जो है वो मॉइस्चर, हाइड्रेशन और फाइन लाइंस उन सब पे काम करेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। तो आप देखेंगे कि ये वाली स्किन बहुत जल्दी आपको रीस्टोर्ड और बहुत बेहतर महसूस होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉलेजन का सीरम है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक क्रीम जो कि है विटामिन के की क्रीम। जिन लोगों की पतली स्किन होती है और उसमें से स्मॉल वेसल्स नज़र आ रहे होते हैं और उन वेसल्स की वजह से वहाँ ब्लू कलर और रेड कलर ये वाला ह्यू आपको जो है वो नज़र आ रहा होता है और आपको लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर से इतना शेड आ रहा होता है कि आपको लगता है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं और आप फेस को देखें तो बहुत ही प्रोमिनेंट वो वाले एरियाज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें हम साथ में विटामिन के देते हैं। जो विटामिन के है वो क्या करती है कि जो आपकी स्मॉल वेसल्स हैं या जो रेड कलर की वेसल्स जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, स्मॉल कैपिलरीज जो हैं वो जो है उसकी परमिबिलिटी को कम करते हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और वो हर वक्त यहाँ से रेड ब्लू कलर नज़र आ रहा होता है, सारे वेसल्स नज़र आते हैं, तो विटामिन के लगाने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो जाता है और आपको कम अपेरेंट होना शुरू हो जाता है। जब वो कम अपेरेंट होता है तो आपको लगेगा कि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो अब कम अपेरेंट हैं, अब कम नज़र आते हैं। अच्छा, जो विटामिन के है ये बेसिकली बहुत अच्छा हीलिंग एजेंट भी होता है, तो आप इसको इन कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हैं। मैं विटामिन के को इसके साथ भी दे सकती हूँ, मैं विटामिन के को ये विटामिन सी के साथ भी दे सकती हूँ, मैं इसको जो है वो कॉलेजन के साथ भी दे सकते हैं हम। इसके अलावा जो है वो मैं अगर इसको इसके साथ देना चाहती हूँ कि ग्लूटाथायोन विटामिन सी और साथ विटामिन के दे दूँ तो आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, नो हार्म इन इट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है एक और चीज़, आइज जो हैं वो जैसे अंदर को धंसी हुई हेलो आइज होती हैं हम उनको भी कहते हैं, या जो सजेशन है वो यही होता है कि वो ऊपर लाइनर ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि ऊपर लाइनर लगाएंगे तो जो हुडेड आइज होती हैं या अंदर को धंसी हुई आँख होती है वो आपको और छोटी, अंदर को धंसी हुई और डार्क लगेगी, वो हमने नहीं करना, ठीक है। जिनकी ऐसी आइज़ हैं, हुडेड आइज़ हैं, अंदर को धंसी हुई हेलो आइज़ हैं और इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं ऊपर की साइड्स पे, तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पे अपर आईलिड के ऊपर आपने लाइनर यूज़ नहीं करना। तो फिर वो क्या यूज़ करें, उसके लिए जैसे अच्छा सा मस्कारा होता है, जैसे अभी मैं आपको मस्कारा दिखा रही थी, तो आपकी अपनी लैशेज़ अगर अच्छी होंगी और आप अच्छी क्वालिटी का मस्कारा लगाएंगे तो आँख बहुत खुली भी लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम से फ्रेश और आपकी आईज़ का एरिया अच्छा लग रहा हो, आईज़ अच्छी लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, तो मस्कारा उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की विद टाइम विद एज लैशेस जो हैं वो कम हो जाती हैं नेचुरली, और या फिर कुछ लोगों की हमेशा से ही कम होती हैं। उसमें आपने क्या करना है, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको यूज़ करके आप नेचुरली अपनी लैशेस को थिक भी कर सकते हैं और लंबा भी, लेंथ भी दे सकते हैं। जब थिकनेस और लेंथ होगी तो फिर आपको एक अच्छा मस्कारा ही चाहिए और फिर आपकी आँख जो है वो आपको छोटी लगने की बजाय खुली भी लगेगी जब आप उसके ऊपर मस्कारा यूज़ करेंगे। एक तो मैंने आपको ये दिखा दिया है और एक और मैं आपको जो है वो आईब्रो एंड आई लैश सीरम दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये जो है ये भी आप अपने आईब्रोज, क्योंकि आईब्रोज जो हैं वो भी गलत थ्रेडिंग करा के प्लकिंग करा के उससे ख़राब हो जाते हैं, तो जितना आप नेचुरल अपने आईब्रो के हेयर को रहने देंगे उतना ही अच्छा है, जितना कम आप उसको खींचेंगे उतारेंगे उतना ही नेचुरली वो थिक और अच्छा रहेगा। तो ये दोनों जगह लग जाता है, लैश के ऊपर भी आप लगा सकते हैं और लैश के अलावा जो है वो आप इसको अपने आईब्रोज के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब आपके
आईब्रोज जो हैं वो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी लैशेस बेहतर होंगी, तो आपको ऊपर नीचे ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी, आप सिर्फ खाली जो है वो अपनी ही लैशेस पे, आपकी अपनी लैशेस अच्छी हो तो आप उसी के ऊपर अच्छा मस्कारा लगा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको आई जो है वो बहुत ओपन अप और बहुत एनर्जेटिक और बहुत लाइवली जो है वो आपको आपका फेस लगेगा, फ्रेश लुक आएगी और एक जो है वो अवेकन लुक आएगी, ये नहीं लगेगा कि बहुत ऐसी आंखें हैं अंदर को गई हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे आप स्लीपी हैं, फ्रेश नहीं हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, अब हम आ जाते हैं कि आप जैसे मैंने कुछ सजेस्ट किया है आप उसको यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत अच्छी चीज़ जो है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी जो है आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा काम होता है कि आप कॉफ़ी जो है वो लें और उसके बाद जो है वो उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के, कॉफ़ी जो भी आम पाउडर आपके पास है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और फिर उसके बाद जो है कॉटन ले लें, कॉटन को उसके अंदर सोक करके और उसको अच्छी तरह से जो है वो आप लगा लें, ऐसे ऊपर नीचे लगाएं, आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। और उसको लगा रहने दें, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, लाइक 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। जब आप उसको उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके डार्क सर्कल्स पहले से कम फील होंगे। कॉफ़ी के अंदर मज़ेदार बात यह है कि कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, तो अगर आपकी स्किन जो है वो मैच्योर है और थोड़ी फाइन लाइंस हैं तो वो उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर जाएगी, ठीक है। आप जब ये लगाएं, जैसे मैंने आपको कॉफ़ी लगाने के, कॉफ़ी का मास्क लगाने के लिए कहा है, जब आप इसको लगा लें और लगाने के बाद उतार लें, तो उतारने के बाद आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है स्किन को, ताकि आपकी यहाँ वाली स्किन जो है वो आपको ड्राई ना फील हो, ठीक है, स्केल्स ना बने, ड्राई ना फील हो। तो मैंने अब आपको कुछ मेडिसिंस भी बता दी हैं, फिर मैंने आपको घर में आप क्या यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कि आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन डार्क सर्कल्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट शो नहीं करते, तो क्या करना है। फिर आपने आना है हमारे पास क्लिनिक पे। जब आप क्लिनिक में आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। मैं हमेशा पेशेंट जब मेरे पास आता है कंसल्टेशन के लिए तब भी यही बात बोलती हूँ, अभी भी आपको लाइव सेशन में भी यही कहूँगी कि स्टार्ट हमें करना चाहिए बेसिक चीज़ से, पहले स्टेप पे जाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो सेकंड पे जाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थर्ड पे जाएं। तो जो पहला, जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होता है कि जब आपकी स्किन की असेसमेंट हो जाए अराउंड आई स्किन की और किस किस्म के आपके डार्क सर्कल्स हैं, जिस किस्म के हैं उसी के हिसाब से जो है वो फिर हम आपको आपका ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। अगर तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट होती है तो हम वाइटनिंग व्हील को यूज़ करते हैं और उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है तो उसके अंदर हम सीरम इन्फ्यूजन्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड के इन्फ्यूजन्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो पील्स भी होती हैं, यहाँ पे जो किया जाता है वो कार्बोक्सी थेरेपी भी होती है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। उसके अलावा जो है वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सीरम इन्फ्यूजन्स भी दे सकते हैं। जो आंखें अंदर को धसी हुई होती हैं, हेलो आइज़ होती हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिर हम साथ में मीज़ोथेरेपी भी कर सकते होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम फिलर इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स के कौन से डार्क सर्कल्स पे या कौन सी आइज़ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आएगा आपने उसकी सीरम इन्फ्यूजन करनी है, जो आएगा डार्क सर्कल्स के साथ तो आपने उसके ऊपर जो है वो वाइटनिंग पील करनी है, या जो आएगा आपने कार्बोक्सी थेरेपी करनी है, वो हमें देख के फिर ही डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा आज का लाइव सेशन में जो टॉपिक था कि उसमें किस किस तरह के डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, आप घर में क्या लगा सकते हैं और घर में आप किचन से लेके क्या यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास आते हैं तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए।